सो फाइनली गाइस, तो अपन निकल चुके हैं घर के लिए। वापस से उकुआ जा रहा हूँ सोनपुरी अपने घर। तो यहाँ पे अपन थोड़ा खाना पीना खाने रुक गए हैं और बाहर अपनी गाड़ी खड़ी है और थोड़ा फटाफट से पेट पूजा कर लेते हैं और चलते घर। कुछ नहीं, मैं आया, एक घंटे का सफ़र था, आया बहुत ज़्यादा थक गया तो मैं सो गया। मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं ना वीडियो बनाने का मेरे को उतना था कि भाई हिम्मत थी कि क्या बताऊँ। और हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे थे, मतलब मेरे रात से ही दर्द कर रहे थे, लेकिन सफ़र के मारे ज़्यादा बढ़ गया। और यहाँ पे एकदम बदल हो गई, मतलब ऐसे बादल आ गए आसमान में, तो मैं सोचा रहने देता हूँ, फालतू पानी आ जाएगा, वीडियो बनाने के लिए रुकना पड़ेगा। और रिस्क ना लेते हुए अपन आ गए सीधा घर। देखो यार, बदल बहुत हो गई है, जब भी कुछ ज़्यादा थी अभी थोड़ी कम हो गई, मेरी एक नींद मार के पूरी हो गई है। और अब थोड़ा सा तैयारी करते हैं, आत्मा धोते हैं और अक्षय के घर चलते हैं। अपन निकल चुके हैं अक्षय के घर के लिए और अब अपन गाड़ी से आगे सीधा स्कूटी पे, हाँ फटाफट से अक्षय के घर चलते, बहुत टाइम से हमारा वेट कर रहा है वो। गाइस, पहुंच चुके हैं अक्षय के घर और ये अक्षय घर के बाहर निकल गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके यानी कि गाय का पूरा तबेला है, गाय वाले उनका नहाने जा रहा। अरे यार, थोड़ी देर के लिए तो आया हूँ, अभी चल उधर से आते, थोड़ा घूम के फिर वापस आके नहा लेना, चल। अरे क्या यार, बहुत टाइम लगेगा, चल ठीक है ना, आओ ठीक है ना। क्या यार, मैं मजाक कर रहा था, ये है कि नहाने चला गया। तो चलो यार, फाइनली एक बार फिर से हम इसको देखने आ गए। यहाँ से भी क्लियर ही दिखता होगा, देखना इधर से फ्रंट व्यू दिखाता हूँ मैं आपको कि ये देखो, एक टायर टेढ़ा ही दिखता है, फिर भी देखो एक टायर टेढ़ा दिखता है। और इधर में शायद वो बोनट बोनट खुल गया है। तो यार चलो टीवी देखा जाए, थोड़ा सा मैच वैच देखते हैं अपन। और इधर खाना खा रहे हैं अपन, डुबो की बड़ी है, प्याज पत्ते की बड़ी, और खाना वाना खा रहे हैं। तो चलो अब फटाफट से खाता हूँ मैं। तो चलो गाइस, अब जाने का वक्त आ गया है, अब चलते हैं फटाफट से घर। बहुत धूप हो रखी है यहाँ पे यार, बहुत ही ज़्यादा धूप हो रखी है। तो गाइस, सुबह के अभी बज रहे हैं 5:30 और अभी हम यहाँ पे घूमने निकले हैं और बहुत ही सही लग रहा है अभी सुबह सुबह उठ के ऐसा घूमना। और नींद बहुत आ रही थी फिर भी मैं नहीं, उठना है भाई, घूमना, दौड़ लगाना है। तो दौड़ लगाने अपन बाहर आया है और अभी घर के लिए रवाना हुआ हूँ मैं, उधर से घूमते घूमते आया हूँ और अब घर जा रहा हूँ। तो गाइस, आज रॉयल एनफील्ड का हम करते हैं यानी कि पूरा का पूरा बताएंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स दिए। अभी नया वर्जन है ये रॉयल एनफील्ड का, ब्लैक वाला, और एकदम नए नए क्या क्या फीचर्स दिए आपको सब बताते हैं अभी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ओल्ड वाली जो अपनी रॉयल एनफील्ड थी, उसमें ऐसा फीचर्स नहीं दिया था कि ये जो मीटर है ये ऐसे जाके ऐसा है, यानी जो काटा है अपना, और वहाँ पर अपने को पेट्रोल सो नहीं करता था। लेकिन अभी ये जो नई न्यू वर्जन आया है इसमें अभी नया वर्जन में ये अपने मीटर में शो करने लगा है कि पेट्रोल कितना है, क्या है और कितने किलोमीटर चली, ये सब शो करता है। पुराने वर्जन में ये नहीं था, इसमें टाइम वगैरह भी शो करता है।
और बहुत कुछ अपडेट कर दिया है बुलेट में अभी तो। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट करने का यानी कि ऐसी इस टाइप के बटन दिए हैं, तो पहले वाले बुलेट में यहाँ पे दिया रहता था और अभी की बुलेट में यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए ऐसा दिया है। ये भी बहुत अच्छा फीचर है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला फीचर, भाई ये बताऊँ लोग ना अलग से लगवाते थे, लेकिन ये अभी की बुलेट में अभी ऑटोमेटिक मतलब खुद से डला हुआ आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। देखो अपने आप पूरी चारों के चारों इंडिकेटर चालू हो जाती है, और ये बहुत ही शानदार फीचर दिया है इसमें, और बहुत ही मज़ा आता है ये सब। यानी कि भाई रात में जब तुम लेके चल रहे हो तो सब लोग बताऊँ दिखते हैं कि भाई चारों इंडिकेटर चालू है, अलग ही दिखता है पता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, चार्जिंग के लिए ये दिखाते हैं आपको, ये चार्जिंग के लिए दिया हुआ है चार्जिंग पैड यहाँ पे, और यहाँ पे अपन लीड लगा के मोबाइल में लगा सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ये अपना डेट एंड टाइम वगैरह देखने का है, और कितना किलोमीटर चली है सब देखने के लिए ये बटन दिया है यहाँ पे, और भी बहुत कुछ दिया हुआ है गाड़ी पे। किक हटा दिया है भाई अभी की रॉयल एनफील्ड में, पूरी की पूरी किक जो होती नहीं कि गाड़ी की स्पोर्ट्स बाइक में, अभी की हटा दिया गया है। और बाकी पीछे से देखने में इतनी शानदार दिखती है, देखो यार पीछे से देखने में और ही शानदार दिखती है। अभी मैंने इसमें बताऊँ मतलब साइलेंसर को चेंज करा दिया, जो पुराना साइलेंसर था वो बिल्कुल साउंड नहीं करता था, अभी के साइलेंसर मैंने छोटा पंजाब लगा दिया, बड़ा पंजाब क्या है बाहर निकल रहा था तो मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने छोटा पंजाब इसलिए लगवाया ताकि वो पूरा एडजस्ट हो गया गाड़ी में। कि गाड़ी चलाने में बहुत शानदार है, वाइब्रेट नहीं होती, पुरानी वाली बुलेट बताऊँ पूरी वाइब्रेट होती थी, ये वाली पूरी वाइब्रेट कुछ नहीं होती। जैसे कि आप देख सकते हैं पुरानी बुलेट में जैसे अपन स्टार्ट करें तो ये पूरा ऐसा हिलता था, मतलब हल्का हल्का वाइब्रेट होता था, तो वो भी वाइब्रेट वाला पूरा सिस्टम हट गया, पूरा एक भी वाइब्रेट नहीं होती और चलाने में पूरी कंफर्टेबल है। अब लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत मज़ा आता, जैसे लॉन्ग राइड में आप इसको इस्तेमाल कर रहे तो भी अच्छी चल जाती है, तो चलाने में बहुत मज़ा आता है। बाकी माउंटेन्स में ले जाने में तो और मज़ा आता है भाई, माउंटेन में पिकअप बहुत शानदार कर दिया है। तो इतना ही था, तो गाइस इतना ही था, और भी बहुत कुछ फीचर्स दिए गाड़ी में, लेकिन उतना टाइम नहीं, अभी कॉलेज जाना है। देखो तैयार हुए भैया जी हमारे, इनको पूरा नहीं दिखाना है। फीचर्स तो और भी बहुत कुछ दिया है उसमें, पर ज़्यादा लंबा बनाऊंगा वीडियो, और अपना उसका चैनल भी नहीं है कि भाई गाड़ी के जो फीचर्स दिखाते हैं, वो चैनल होता है एक, वो अपना चैनल है नहीं, अपना व्लॉगिंग का चैनल है, तो अपन सिर्फ व्लॉग ही डालेंगे। तो थोड़ा बहुत डाल दिया अपन ने, तो अभी रवि के रूम पे हूँ, यहाँ से फटाफट से कॉलेज चलते हैं, और पेपर है कल हमारा, कल से पेपर है, तो तैयारी भी किया नहीं बिल्कुल, आपको जानते लड़के लोग क्या तैयारी यारी करते नहीं है, बस चले जाते हैं, आप जो कि देखे जाए कि राम भरोसे वैसा है अपना कैसा रवि राम भरोसे है हम लोग भाई, तो देखते हैं क्या होने वाला है पेपर में। चलो चलते हैं, सब लोग अपने अपने अटेंडेंस बढ़ा दो, मेरी अटेंडेंस बढ़ा देंगे। रूम जाएंगे अब, फटाफट से चलते हैं रूम, बहुत देर से भूख लगी है, ग्रो घर जाएंगे। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं अब अपन घर, सामने एचओडी सर का केबिन है, पर वहाँ वीडियो शूट नहीं कर सकता। पंछी बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में। तो गाइस अब मैं तो चला घर, तो भाई व्लॉग में मजा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक डालो, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो बाय बाय टाटा एंड सी यू, ऐसे ही बने रहो भाई लोग व्लॉग में।